हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम ऑफ हैप्पीनेस। और एज यू नो मैं हूँ मधुस्मिता। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ एक शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारा मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं अपना जो ऑनलाइन का शॉपिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ और ऑनलाइन का शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होता रहता है कि कपड़ा कैसे होगा, किस तरह से फिटिंग होगा। मैं जाके बाहर से ही शॉप से लेके आती थी, बट अभी मिंत्रा से मेरा जो बहुत ज़्यादा बिलीव है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मिंत्रा का जो क्वालिटी है और डिलीवरी टाइम है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार थोड़ा सा मिंत्रा से शॉपिंग किया जाए। तो चार आज मैंने प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, या क्लॉथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मैं रिसेंटली मिंत्रा से लिया है। और ये सारे जो जो भी सारे आज मैं क्लॉथेस आप लोगों के साथ जो भी ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो बिलो 1000 रुपीज का है, कुछ बिलो 800 रुपीज का भी है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो बात करते हैं जो एक ड्रेस की, ये मैक्सी ड्रेस है। आजकल मैक्सी ड्रेस बहुत ज्यादा ट्रेंडी में है और एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि ये मैंने मिंत्रा से लिया था। इसको मैंने पहन के अपना किचन में थी तो मैंने सोचा कि ये इसको आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अगर मिंत्रा हॉल दिखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बहुत सारा मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि दी नहीं मिंत्रा हॉल आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये था मेरा पहला ड्रेस, ये है मैक्सी फॉर्म में है, मस्टर्ड कलर है। इसका जो नीचे का पोर्शन है इस तरह से बहुत ज्यादा वाइड है, ये अम्ब्रेला टाइप का मुझे लगता है। और ये फुल स्लीव नहीं है, ये 3/4 स्लीव में है। क्वालिटी वाइज ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और साथ ही साथ इसका जो मुझे साइज मैंने लिया है ये एम साइज का है। मिंत्रा से जब आप कुछ ड्रेस वगैरह ऑर्डर करते हो तो हमेशा साइज चार्ट ऊपर आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी का और हर किसी ब्रांड का साइज जो है डिपेंड करता है अपना क्लॉथेस के ऊपर। तो कुछ मैंने वहाँ से जो ड्रेस ऑर्डर किया है वो एल साइज का है, कुछ जो है एम साइज का है। ये है एम साइज का, ये भी एम साइज का है, फिर भी मुझे थोड़ा सा ढीला हो रही है, बट मैंने सोचा कि चलो ओके है क्योंकि अभी समर आने वाली है। समर में इतना ज़्यादा टाइट फिटिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और मैक्सी ड्रेस अगर आप समर में पहनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होता है। इसमें इस तरह से दो यहाँ पर लेस भी दिया गया है, इसको आप अगर फ्रंट में चाहते हो तो आप फ्रंट में नट कर सकते हो, नहीं तो बैक में भी नट कर सकते हो। मैं इसको फ्रंट में नट किया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा इसका फिटिंग है, मस्टर्ड कलर है, तो समर में ये परफेक्ट है वेयर करने के लिए। तो सारे जो ड्रेस मैं आपको अभी दिखाऊंगी, सारे जो परचेस लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और साथ ही साथ इसको मैंने पहन के किस तरह से दिख रही हूँ लास्ट में दे दूंगी, वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। तो ये था पहला ड्रेस। दूसरा जो ड्रेस है मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पहना है, सिर्फ एक बार ट्राई करने के लिए पहना था, उसका भी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये भी एक मैक्सी ड्रेस है, ये इस कलर के है, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है। अगर आप डे आउट के लिए कहीं पे बाहर जाते हो तो इसको आप अगर आप पहन के जाओ तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगता है और बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी लगता है। ये जो इसका हेड जो है कुछ इस तरह से है, पूरा डीली डाली सा है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और क्वालिटी वाइज मैं आपको बोल ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर एक लाइनिंग भी आपको मिलता है सेम कलर का, जो कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट आपको नहीं दिखेगा, बट ये जो लाइनिंग है यहाँ तक है, मीन्स नी से थोड़ा सा नीचे तक आपको लाइनिंग मिल जाएगा और उसके बाद लाइनिंग नहीं है, बट ये जो कपड़ा है ना बहुत ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये फुल स्लीव में है और इस तरह से इसका जो ये पोर्शन है कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, नेक का फ्रंट डिजाइन कुछ इस तरह से है। और हाँ, सारा जो प्राइस का डिटेल्स है मैं नीचे स्क्रीन में दे दूंगी, क्योंकि कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि मिंत्रा का साइज वेरी करता है, तो मैंने किस टाइम पर क्या प्राइस में लिया था वो स्क्रीन में दे दूंगी। तो इसका जो MRP है वो 1849 रुपीज़ का है, और ये जो ब्रांड है ये टोक्यो टॉल्किस की तरफ से है, और इसका जो साइज मैंने लिया है वो एल साइज का लिया है। तो ये थी एक और एक मैक्सी ड्रेस, और यहाँ पर ये एक इलास्टिक दिया गया है जो कि आपके बॉडी के शेप के हिसाब से पूरा ये एडजस्ट होगा।
और साथ ही साथ नीचे में इस तरह से एक डिजाइन किया गया है, बहुत ज्यादा इसका घेर है, आप लोग देख सकते हैं पहनने के बाद किस तरह से लग रही है, वो आपको वीडियो के लास्ट में दिखने को मिलेगा। तो ये था और एक मैक्सी ड्रेस, कलर बहुत ज्यादा प्यारा है इसका। बाद मैंने और एक मैक्सी ड्रेस लिया है, मैक्सी ड्रेस एक्चुअली मुझे आजकल बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अगर एक आपको पहननी चाहिए तो पूरा कवर हो जाता है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी लगता है। ये मैक्सी ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसका पैटर्न ही कुछ इस तरह से है, कलर है नेवी ब्लू, नेवी ब्लू मेरा फेवरेट है। और 1 मिनट, तो ये नेवी ब्लू और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन में है और इसका जो फैब्रिक है बहुत ज्यादा अच्छा है, घेर भी बहुत ज्यादा है क्योंकि जो भी घेर वाला ड्रेसेस वगैरह होता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर फ्रंट पे इस तरह से एक बेल्ट दिया गया है, इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जितना आपका ये कमर का साइज है उस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। और हैंड का जो साइज है वो इस तरह से है, ये मैंने परचेस किया है, ये एम साइज का है, इसका भी प्राइस है 2199, बट ये मुझे 800 समथिंग का मिला था, बहुत ज्यादा अच्छा रेट में मुझे मिला था। इसका भी लेंथ जो है पूरा नीचे तक आ रहा है और इसका साइज मैंने एम लिया है। नेक का जो डिजाइन है बिल्कुल भी सिंपल है, पूरी डे आउट के लिए अगर आप बाहर जाते हो तो ये बहुत ज्यादा आपको काम आएगा क्योंकि गर्मी में इस तरह से जो कपड़े होता है कॉटन वाला वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये था एक और एक मैक्सी ड्रेस जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसका भी फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। और लास्ट में मैंने लिया है एक कुर्ती एंड स्कर्ट सेट, और आजकल ये इतना ज्यादा नहीं चलता है बट कभी कभी अगर फेस्टिवल वगैरह में अगर आप इस तरह से ड्रेस वेयर करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और काफी ट्रेडिशनल भी फील होता है। तो इस तरह से मैंने एक कुर्ती और स्कर्ट लिया है, ये कुर्ती पहनने के बाद मैंने एक वीडियो में आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो हेयर केयर के बारे में वीडियो था, इस कुर्ती को मैंने वेयर किया था और आप सभी लोगों का कमेंट था कि दी कुर्ती कहाँ से परचेज किए हो, तो कुर्ती मैंने मिंत्रा से ही परचेज किया है। इसके साथ आता है ये स्कर्ट, ये है ब्लैक कलर का स्कर्ट, इसमें गोल्डन कलर का फैब्रिक का काम किया गया है, ये बिल्कुल भी प्योर कॉटन में है और स्कर्ट का जो घेर है वो बहुत ज्यादा है। नीचे यहाँ पर पिंक कलर का सेम टू सेम कुर्ती को कंबाइन करके यहाँ पर इस तरह से लेस दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये बिल्कुल एक सेट की तरह दिख रहा है। यहाँ पर आपको वेस्ट में इलास्टिक मिल रहा है, तो स्कर्ट ये थी स्कर्ट और ये है कुर्ती। कुर्ती का जो लेंथ है वो नी से थोड़ा सा बड़ा है और नेक का जो डिजाइन है कुछ इस तरह से है, यहाँ पर दो डोरी दिया गया है, आप अपने हिसाब से टाइट एडजस्ट कर सकते हो या टाइट या लूज कर सकते हो। तो ये मैंने लिया है एल साइज का और ये जो ब्रांड है ये है नायो, नायो ब्रांड की तरफ से है और इसको आई थिंक मैंने परचेज किया था लास्ट महीने, सॉरी फरवरी मंथ में परचेज किया था, उस टाइम पे मुझे ये मिला था 1100 समथिंग विथ टैक्स, क्योंकि मिंत्रा से अगर आप परचेज करते हो तो कुछ टैक्स आपको लगता है जीएसटी, तो जीएसटी के साथ मुझे मिला था ये 1100 समथिंग का मिला था। बट इसको मैंने ऑलरेडी वॉश भी कर चुकी हूँ, वॉश करने के बाद भी इसका जो फैब्रिक है कुछ इस तरह से है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पहनने के बाद एक अलग ही लुक आ जाता है। बस ये चारों ड्रेस मैंने मिंत्रा से लिया है और ये सारी चीज़ें मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल पे इस तरह से एक शॉपिंग हॉल वीडियो देख के आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी जरूर बताना। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे दिया गया लिंक के थ्रू जाकर आप ये सारी चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। सुबह मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on and on
the highway.